पूरे उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ 30 मार्च से ही हो चुका है। ऐसे में प्रशासन ने व्यवस्थाएं पूरी करने का दावा किया है। विधायी और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने ठुली गाड़ में पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। माँ पूर्णागिरी धाम में हर साल होली के अगले दिन से 3 महीने का मेला लगता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मेला अवधि 30 दिन की तय की है। 30 अप्रैल तक ये मेला चलेगा। मेले में कोरोना से बचाव के लिए सभी श्रद्धालुओं को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। जगह जगह श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग से जांच की व्यवस्था की गई है। मेले में आने वाले सभी भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, जिसके बाद भक्त माता के दर्शन कर सकेंगे। तो आप भी माँ पूर्णागिरी के दर्शन करना चाहते हैं तो जाइए, मेले का आनंद उठाइए और दर्शन कीजिए। बता दें कि विधायी और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने ठुलीगाड़ में पूजा अर्चना कर इस मेले का शुभारंभ किया है। साथ ही साथ सरकार की गाइडलाइन का पालन जरूरी है। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के आप प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर जगह जगह थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, इसकी व्यवस्था है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी मेले में आने वाले भक्तों को कराना जरूरी होगा। हर साल 3 महीने का ये मेला लगता था, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र इसको 30 दिन का कर दिया गया है।